हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आया हूँ साउथ की एक नई मूवी जिसका नाम है उपेना। यह फिल्म रिलीज हुई थी फरवरी 2021 में। इसके लीड रोल में हैं साउथ स्टार विजय सेतुपति, वैष्णव तेज और कीर्ति शेट्टी। इस मूवी की IMDb रही 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट था लगभग 22 करोड़ रुपए और इस मूवी ने भारत में कलेक्शन किया 70 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कनेक्शन था 84 करोड़ रुपए। तो चलिए देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक समुद्र तट से, जहां हीरो वैष्णव तेज या आशी समुद्र किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ है। अगले सीन में हमें विजय सेतुपति या रायनम का घर दिखाया जाता है। रायनम अपने नौकर से अपनी बेटी बिबम्मा या कीर्ति सेट्टी को कालत छोड़ने की बात कहता है। वहीं कुछ दूरी पर गांव के कुछ आवारा लड़के बिबम्मा की गाड़ी को देखते रहते हैं कि कब बिबम्मा आए और हम उनका दीदार करें। लेकिन रास्ते में गाड़ी का पीछा करते हुए रायनम के गुंडे उसे देख लेते हैं और उनसे खूब मारपीट करते हैं। अगले सीन में एक ऑफिसर रायनम के घर कुछ प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आता है जो रायनम की फिशिंग यार्ड बनाने के लिए आवश्यक थे। रायनम का नौकर उस ऑफिसर को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। इंतजार करते करते करीबन आधे एक घंटे होने के पश्चात ऑफिसर रायनम के कमरे की ओर चला जाता है। वह दरवाजे के पास से देखता है कि रैनम किसी से बात कर रहा है, लेकिन यह क्या, उसके सामने तो कोई भी नहीं बैठा। रैनम अपने आप से ही बात कर रहा है। तभी रैनम का नौकर पीछे से ऑफिसर के पास आता है और उसे हॉल में नीचे जाकर बैठने के लिए बोलता है। ऑफिसर घबराते हुए नौकर से बोलता है कि रैनम साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए। तभी अचानक पीछे से उनको जोरदार लात पड़ती है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। वह देखता है कि पीछे रैनम खड़ा है। रैनम ऑफिसर को धमकाते हुए कहता है कि उसने यदि किसी को यह बात बताई कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है तो बहुत बुरा होगा, वह उसे जाम से मारने की धमकी देता है। आगे की कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां पर कुछ मछुआरों का दल जाल से मछली पकड़ रहे होते हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर एक और दल मछली पकड़ते हुए उन्हें देख रहे होते हैं। क्योंकि उनके हाथ मछलियां नहीं लगती, इसलिए वह समुद्र में जाकर पहले वाले मछुआरों के जाल को काट देते हैं और सारी मछलियों को वहां से भगा देते हैं। ऐसा होता देख दोनों दलों के बीच आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। इसी समय हमारा हीरो आशी आता है और दूसरे दल से मारपीट करने लगता है। उसी समय उसे एक बस की आवाज़ सुनाई देती है। उस बस की आवाज़ सुनते ही वह लड़ाई झगड़ा छोड़कर उस बस के पीछे पीछे अपने बाइक से चला जाता है, क्योंकि उस बस में बेमम्मा बैठी होती है। फिर यहाँ एक गाना स्टार्ट हो जाता है। उस गाने में दिखाया जाता है कि वह बेमम्मा को बचपन से चाहता था, लेकिन कभी उससे प्यार का इजहार नहीं कर पाया। एक कुछ देर बाद उसे उसके बुए का लड़का छेड़ना चालू कर देता है। वह छेड़छाड़ से परेशान होकर उससे पीछा छुड़ाकर वह कॉलेज चली जाती है। अगले सीन में रायनन को समुद्र किनारे गांव के किसी लड़के से अपने खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की बात करते हुए दिखाया जाता है। रायनन के समझाने के बावजूद वह लड़का शिकायत वापस नहीं लेता, जिस कारण रायनन उसके गले में एक हथियार से हमला करके उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में बेमम्मा की बुआ का लड़का बेमम्मा की माँ के कमरे में आता है और उसकी शादी की बात करता है। बेमम्मा की माँ एक लोटे को बिस्तर से गिरा देती है और वह लड़का ऐसा करते देख वहां से भाग जाता है। तभी बेमम्मा आती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ। तभी वह लड़का पीछे से आता है और अनजान बनने का नाटक करता है। अगले सीन में रायनन के आने पर बेमम्मा उस लड़के के खिलाफ अपने पिता से शिकायत करती है, लेकिन उसका पिता रायनन उसकी शिकायत को अनदेखा कर देता है। अगले दृश्य में बेमम्मा का कॉलेज दिखाया जाता है, जिसमें बायोलॉजी की क्लास चल रही होती है और सामने बोर्ड पर नर प्रजनन अंग का चित्रण किया गया होता है, जिसे देखकर छात्राएं हंस रही होती है। छात्राओं को हंसता देखकर टीचर एक महत्वपूर्ण बात बताती है, जो कि मूवी का सार है। टीचर कहती है कि हर औरत की जिंदगी में एक आदमी आता है। अगर औरत को उससे प्यार का एहसास होता है तो वही सच्चा प्यार है, न कि उसके अंग, वही असली मर्द है। बेबम्मा इस बात को ध्यानपूर्वक सुनती है। अगले सीन में आशी और कुछ गंडों के बीच आपस में लड़ाई हो रही होती है। उसी समय बेबम्मा का बस सामने से गुजरता है और लड़ाई झगड़े में ट्रैफिक में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बुआ का लड़का वहां आता है और उसे बाइक से घर जाने की बात करता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी से उतारने की कोशिश करता है।
इसी बीच आसी का एक मुक्का उस लड़के के चेहरे पर गलती से पड़ जाता है और वह वहीं धड़ाम होकर गिर जाता है। तभी बेवम्मा आसी को देखती है और उसे पसंद करने लग जाती है। अगले दृश्य में आसी का दोस्त आसी को बताता है कि बेबम्मा ने उसे देखा। फिर आसी भी उसे देखता है और खुश हो जाता है। इसके बाद आसी और कुछ गांव वाले राशन का सामान खरीद रहे होते हैं। तभी रायनन का नौकर राशन सामान खरीदने आता है और लाइन में लगे बिना ही खरीदने लग जाता है। तभी आसी और नौकर के बीच झगड़ा हो जाती है, जिसे कार में बैठे हुए बेबम्मा देख रही होती है। इसके बाद वह अपने नौकर को डांटती है और लाइन में लगकर सामान खरीदने की बात कहती है। उसके बाद आसी को वह छेड़ने लग जाती है। आसी भी शर्माता हुआ वहां से निकल जाता है। मम्मा अपने बस से कॉलेज की तरफ परीक्षा देने जा रही होती है। उसी बीच रास्ते में उसका बस खराब हो जाता है। बस खराब होते ही बस का ड्राइवर नीचे उतरता है, पीछे आसी भी आते रहता है। बस का ड्राइवर आसी को बेबम्मा को कॉलेज छोड़ने की बात कहता है। इसके बाद बेबम्मा आसी के साथ कॉलेज चली जाती है। अगले दिन गांव में एक कार्यक्रम में दोनों मिलते हैं। इसके बाद इनके मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले दिन आसी और उसके पिता और कुछ गांव वाले गांव की समस्या को लेकर रायनम के पास आते हैं। आसी नजरें बचाकर घर के अंदर चला जाता है और बेबम्मा की माँ से मिलकर अपने रिश्ते की बात करता है। उसके बाद वह बेबम्मा के कमरे में चला जाता है। इधर रायनम और गांव वाले मीटिंग पश्चात एक फोटो पेपर में छपवाने के लिए खिंचा रहे होते हैं। तभी अंदर से आसी आता है और वह भी फोटो खिंचाने लग जाता है। अगले दृश्य में रायनन की बहन उसके घर आती है और अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगती है। रायनन इस बात से रूठ जाता है और इनकार कर देता है, क्योंकि रायनन की बहन का पति उसे छोड़कर किसी अन्य जात वाली लड़की के साथ रह रहा था। रायनन को अपनी इज्जत उछलते हुए डर लग रहा था, इस कारण वह इस रिश्ते से मना कर देता है। अगले दृश्य में लाउड स्पीकर के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि इस साल 15 अप्रैल से 20 जून के बीच मछलियों के प्रजनन का समय आ गया है। इस कारण इस समय मछली पकड़ने कोई नहीं जाएगा। अगर कोई मछली पकड़ने जाता है तो उसे भारी मात्रा में जुर्माना देना होगा। इसके अगले दृश्य में गांव वाले अपने बचत का पूरा पैसा, जो उन्होंने इस विपत्ति के लिए संभाल कर रखे थे, आपस में समान मात्रा में बांट रहे होते हैं ताकि इस महीने का खर्च आराम से चलाया जा सके। अगले दृश्य में बेबम्मा अपने बस में बैठकर कॉलेज जा रही होती है। सामने रास्ते पर आसी खड़ा हुआ मिलता है। बेबम्मा आसी की ओर एक कागज फेंकती है, जिसे उठाने पर उसमें आज दोपहर मिलने की बात लिखी हुई होती है। आसी थोड़ी देर बाद बेबम्मा से मिलने चला जाता है। बेबम्मा आसी को घूमने चलने की बात करती है और समंदर की ओर चलेंगे कहते। वो लोग नजरें बचाकर समंदर में चले जाते हैं। रास्ते में समंदर में पहुंचते ही डीजल खत्म हो जाता है और वे लोग वहीं फंस जाते हैं। इधर रायनन का नौकर उसे बताता है कि उसकी बेटी अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। रायनन परेशान होकर कॉलेज फोन करता है। फोन करने पर पता लगता है कि बेबम्मा कॉलेज से आज जल्दी ही चली गई थी। एक और दृश्य में रायनन अपने निजी स्वार्थ के लिए समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों को धोखा देते हुए उनके घरों को उजाड़ने का काम शुरू कर देता है, जिससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। मकान तोड़ने के बाद अपनी बेटी को काफी देर से ना आता देख उसके कमरे में खोजबीन चालू कर देता है। खोजबीन से बेबम्मा की अलमारी से आसी का एक कपड़ा मिला था, जिसे बेबम्मा को आसी ने एक सीन में उसके कपड़े फट जाने पर पहनाया। अगले दृश्य में रायनन गांव की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। वह सीधे आसी के पिता से मिलता है, जो कि मछुआरों के मुखिया हैं। वह उन्हें अपने बेटी के लापता व किसी लड़के के साथ गए होने की बात बताता है। वह उन्हें बोलता है कि अगर वह कल सुबह तक उसकी बेटी को ढूंढ के ला देंगे तो वह गांव वालों का घर नहीं तोड़ेंगे और उन्हें उस जगह से बेदखल भी नहीं करेंगे। इधर आसी और बेबम्मा समुद्र में आपस में मिलन कर रहे होते हैं। इसके अगले दृश्य में रायनन कॉलेज में दिखाई देता है। कॉलेज के बाहर बैठा रहता है और उधर कॉलेज के अंदर छात्राओं का अटेंडेंस चल रहा होता है। बेबम्मा का नाम पुकारा जाने पर बेबम्मा वहां उपस्थित हो जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें आसी के पिता बेबम्मा को रायनम के हवाले कर देते हैं, लेकिन आसी के पिता यह नहीं बताते कि आसी ही उसका पुत्र है जो बेबम्मा को साथ लेकर गया था। अगले दृश्य में रायनन के पिता अर्थात बेबम्मा के दादा बेबम्मा को डांटते हुए नजर आते हैं, लेकिन रायनम बीच में ही उन्हें रोक देता है। इधर
आशी के पिता रैनन से बच के रहने और दिवम्मा से दूर रहने की समझाइश देते नजर आते हैं। लड़की के बारे में पता न चलने की बात वह रैनन को आकर बताता है। इसी बीच बातों बातों में रैनन की नज़र दीवार पे पड़े एक फ्रेम में लगे हुए फोटो पर पड़ती है, जिसमें आशी ने वही कपड़ा पहना हुआ है जो बेवम्मा की अलमारी से मिला था। रैनन समझ जाता है कि आशी ही वह लड़का है जो उस दिन बेवम्मा के साथ समुद्र में गया था। अगले ही पल रैनन ने अपने नौकर को एक योजना के तहत गांव में होने वाले मेले में दंगा करवाकर रैनन और उसके पिता को मार डालने की योजना बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगले सीन में अपनी योजना के तहत शाम को मेले में आशी व उसके पिता जब घूम रहे होते हैं, तब अपनी योजना के तहत रैनन के गुंडे एक लड़की छेड़ते हुए आशी व उसके पिता से लड़ाई करने लग जाते हैं। और अगले दृश्य में आशी अस्पताल में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। इसका अगला दृश्य रैनन अपनी बहन को अपनी बेटी से सगाई के लिए मुहूर्त निकालने की बात करते हुए नजर आता है। जिस बहन के बेटे से अपनी बेटी बेवम्मा की शादी के लिए मना किया था, उससे वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। इधर अपने पिता की मौत से परेशान आशी रात में साइकिल लेकर रैनन के घर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। रैनन के घर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि बेवम्मा घर से गायब है। यह बात सुनकर आशी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आशी अपने घर पहुंचने पर देखता है कि बेवम्मा उसका उसके घर पे इंतजार कर रही है और आशी को आते ही इस गांव से दूर भाग चलने की बात करती है। तभी रैनन के गुंडे वहां उसके घर आ जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। आशी उन गुंडों से लड़ता हुआ बेवम्मा के साथ गांव से दूर भाग निकलता है और एक ट्रेन में चढ़कर गाँव से दूसरे राज्य पहुँच जाता है। इधर दूसरी तरफ रैनन की बहन सगाई का मुहूर्त लेकर उसके घर पहुंचती है, लेकिन रैनम घर के दरवाजे के पास ही बैठा हुआ मिलता है। अगले ही पल रैनम के गुंडे खाली हाथ वहां आते हैं और आशी और बेवम्मा को भाग निकलने की बात बताते हैं। रैनम कहता है कि बेवम्मा के भाग निकलने की बात गांव वालों को पता नहीं। इधर आशी और बेवम्मा गाँव से दूसरे राज्य पहुँच जाते हैं और परेशानियों के बीच गुजर बसर कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में बेवम्मा के द्वारा प्यार जताने पर भी आशी उससे दूर ही रहता है। एक शाम आशी बेवम्मा को बैठाकर उसके लिए खाना लेने जाता है, लेकिन वापस लौटने पर बेवम्मा वहाँ नहीं होती है। वह इधर उधर ढूंढता है, वह देखता है कि कुछ गुंडे बेवम्मा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आशी उन गुंडों से मारपीट करता है और फिर वह उसे सुरक्षित एक लेडीज लॉज में लाता है। आगे आशी सड़क पार कर रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी की ठोकर से आशी को चोट लग जाती है। चोट लगने पर वे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में वे देखते हैं कि एक महिला ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। बेवम्मा आशी को शादी की बात करती है। आशी तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद खुशी के मारे बेवम्मा अपनी माँ को कॉल करके अपनी शादी की बात बताती है। अगले दृश्य में बेवम्मा स्टेशन पर बैठी हुई है और आशी कुछ सामान लेने गया हुआ है। आशी देखता है कि रैनन के गुंडे बेवम्मा को ले जा रहे हैं। वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ट्रेन छूट जाती है और वह उसे रोक नहीं पाता। अगला सीन जिसमें रैनन बेवम्मा के पास बैठा हुआ उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा होता है और उसे समझाता है कि 2 दिन के बाद उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन बेवम्मा वहां से आशी के पास चले जाने की बात करती है। बेवम्मा की इस बात को सुनकर रैनन उसे बताता है कि उसने उन दोनों को कैसे ढूंढा। वह बेवम्मा को बताता है कि तुम्हारे आशी ने ही उसे उसका पता बताया था। यह सुनकर बेवम्मा को विश्वास नहीं होता। फिर रैनम बताता है कि आशी और उसके पिता को दंगे के बहाने उसने ही मारा और आशी के जननांग को उसने काट दिया था। यह बात सुनकर बेवम्मा चौंक जाती है। फिर उसे कुछ याद आता है कि जब भी वह आशी के पास जाती थी तो वह उससे दूर होने लगता था। अगले ही पल बेवम्मा गुस्से से अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है और रैनन के नौकर से कहती है कि वह उसे आशी के पास ले जाए। फिर वह अपने पिता से लड़कर कहती है कि आशी ने कभी भी उसे अपने ऊपर घटी घटनाओं के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। और बेवम्मा यह कहती है कि मनुष्य की असली मर्दानगी उसके अंगों में नहीं बल्कि उसके साथ रहने पर प्रेम एहसास और साथ में छुपी होती है। किसी अंग को काट देने से उसकी मर्दानगी नहीं चली जाती। बेवम्मा कहती कि किसका चुनाव उसे करना है वह उसे उस पर छोड़ दे। उसे पता है कि कौन असली मर्द है और कौन नहीं। वह वहां से चली जाती है। रैनन उसे देखता रह जाता है। इसके अगले ही पल आशी समुद्र किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके पास आकर
बेबम्मा रोते हुए अपने प्यार का एहसास कराती है और उसे जिंदगी भर साथ रहने का वादा करती है। इसके बाद मूवी वहीं पर समाप्त हो जाती है।